हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन रिलेटेड के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग कुछ पाइथन का कोडिंग करते हैं, ठीक है, जो कि हैकर रैंक पे हम लोग कर रहे हैं और ये हम नमपाई में है जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि ये हमको फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, जो वी कैन जनरेट द ट्रांसपोजिशंस ऑफ एन एरे यूजिंग अ टूल नमपाई। नमपाई का चूंकि हम कोड कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मेट दिया है। अगर हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोई भी एरे दिया हुआ है तो अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया, तो उसका जस्ट इन्वर्टेड मतलब ऑर्डर हम क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे जैसे कि हमको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि जो एरे है ट्रांसपोज अगर यूज करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, नमपाई डॉट ट्रांसपोज। और एक फ्लैटन है कि अगर हमको फ्लैट चाहिए जैसे 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह का फ्लैटन दे देगा, और हमको अगर ट्रांसपोज चाहिए तो इस प्रकार का देगा। मतलब कि तो इसको कोड में करते हैं, ठीक है। जैसे कि टास्क हमको दिया हुआ है कि यू आर गिवन एन बाय एम इंटीजर एरे मैट्रिक्स स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट्स, जिसमें कि एन रोज है और एम कॉलम्स है। और टास्क है कि वो टास्क इज प्रिंट ट्रांसपोज एन फ्लैटन, तो हमको ट्रांसपोज भी निकालने हैं, प्रिंट करने हैं, और फ्लैटन भी प्रिंट करने हैं। और इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, द फर्स्ट लाइन कॉन्टेंट स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज एन एंड एम। मतलब हमारा जो है जो वैल्यू लेंगे हम एक फर्स्ट लाइन में ही आ जाना चाहिए, मतलब हमको दूसरा लाइन यूज नहीं करना है इनपुट लेने के लिए। दूसरा क्या है, द नेक्स्ट लाइन स्पेस सेपरेटेड, तो वही बात है। अब आउटपुट कैसा फॉर्मेट है कि फर्स्ट प्रिंट ट्रांसपोज, पहला हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रूफ प्रिंट करना है, और दूसरा फ्लैटन, ठीक है। और कुछ तरह इनपुट ऐसा होना चाहिए और आउटपुट कुछ इस हमारा, देखो तो ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज है, देखो ये जो हमारा ट्रांसपोज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फ्लैटन हो गया, ठीक है। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नमपाई में इम्पोर्ट कर देते हैं एनपी को। तो करते हैं क्या कि इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और एक दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक एंड और एम एक ले लेता हूँ, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का एक हमको क्या है, इनपुट चाहिए ना, तो इनपुट इनपुट फंक्शन डॉट स्प्लिट फंक्शन। क्या कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको जो है उसको सेपरेट भी कराना है ना। और तो ये हो गया। अब क्या करते हैं क्या कि इसको पहले लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हम पहले लिस्ट बना देंगे और फिर उसको क्या करते हैं लिस्ट से, क्योंकि तो हमको फॉर्मेट इस प्रकार का चाहिए। देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं लिस्ट बना के फिर उसको एरे बना देंगे। तो अब जो है हम कुछ जो है लिस्ट बना रहे हैं इसको। तो जैसे कि हम एक्स यूज करते हैं और एक्स में एक्स है और इसमें लिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मैप फंक्शन, और मैप के अंदर जो है इंट होना चाहिए हमारा जो इनपुट ले रहे हैं, और इंट इनपुट फंक्शंस और डॉट स्प्लिट फंक्शंस, डॉट स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। और इनपुट फंक्शन हो गए, स्प्लिट फंक्शन हो गए, और इसको अभी क्लोज कर देते हैं हम लोग, है ना। और फिर जो है एक फोर लूप लगा रहे हैं क्योंकि हमको फोर लूप के अंदर काम करना है ना। फोर लूप आई इन कोई भी ले सकते हैं रेंज, और जैसे हमको कहाँ तक चाहिए रेंज, इनपुट सॉरी इंट ऑफ जो एन है हमारा, एन ये वेरिएबल्स लिए हुए ना, तो कैपिटल एन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो है हमको लूप बन गया। तो ये क्या हो गया, लिस्ट हमारा बन गया, और लिस्ट हमारा बन गया। अब जो है हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को जो है एरे बनाना है। तो क्या कर रहा हूँ, एरे नाम का एक बना रहा हूँ, एरे ऑफ एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट ये एरे, और इसमें जो है एक्स को बनाना है तो एक्स बना दिए। अब क्या करते हैं, प्रिंट कराना है ना, प्रिंट कराने हैं पहले ट्रांसपोज को, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। तो ट्रांसपोज का देखो तो नमपाई डॉट ट्रांसपोज ऑफ जो जिस एरे को बनाना चाह रहे हैं उसको अंडर में करेंगे, तो ठीक है हम यही यूज करते हैं। एनपी डॉट ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ एडे हमारा है ना, एडे है,
कोमा पहले ट्रांसपोज कराना है, फिर उसका फ्लैटन करना है ना। तो फिर फ्लैटन का क्या है, जो एरे है पहले उसको पकड़ना है। तो एरे डॉट फ्लैटन, फ्लैटन और जो है फ्लैटन फंक्शन हो गया है ना। और फिर इसको एक सेपरेट कर देते हैं स्लैश एन से, है ना। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्लैश एन जो है यूज करने हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन के लिए सेपरेट क्यों स्लैश एन क्यों करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कोड मेरा सही है या नहीं। इंपोर्ट है, इनपुट फंक्शन ठीक है, हमारा लगभग अप्रोक्स सही लग रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। तो हम रन कराते हैं, ओ सॉरी सॉरी, कोई कंपाइलेशन एरर हो गया, सॉरी कोमा लगाना भूल गया मैं, कोमा ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ, देखिए ये हमारा जो है कोड रन कर गया, और जैसा हमको देखो ये हमारा आउटपुट हो गया, और जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमारा मिलके आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये कोड समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सीरीज हम लोग चलाएंगे, और इस तरह का जो भी हैकर रैंक पे हमारा पाइथन कोड होंगे हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।